हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैबुलरी विद निकुंज। और शुरू करते हैं आज के ट्विटर का एनालिसिस, लेकिन उससे पहले देखते हैं, कल एक कमेंट आया था ओम प्रकाश वर्मा जी का कि सर आप क्लास में आप ऑडियो क्लास रखा करो, रिमूव योर पिक्चर। तो आई'd लाइक टू नो कि ऐसे क्या मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है, या फिर मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, या फिर क्या बात है, या मुझे अपनी वीडियो रिमूव करने कह रहे हैं। खैर जो भी हो, आज शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो आज का जो वीडियो है वो, सॉरी, आज का जो एडिटोरियल है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेट कर दिया है मैंडेट को कि फुटबॉल बॉडी को जो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा समझा करके बताता हूँ क्या हुआ है। जो फीफा है, जो फुटबॉल की वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है, उसने सस्पेंड कर दिया था AIFF को और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी इंटरवेन कर रही थी, ठीक है, डिसीजन मैनेज करने के लिए। आइए समझते हैं क्या हो रहा है। पहला जो हमारे पास है वो फ्रेज है, पेव द वे फॉर। पेव द वे फॉर मतलब रास्ता बनाना, हिंदी में कह सकते हैं, या फिर इसका जो मतलब होता है वो होता है टू मेक इट इजियर फॉर समथिंग टू हैपन और समवन टू डू समथिंग, आसान बनाना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के मैंडेट को टर्मिनेट कर दिया है मंडे को। क्या था मैंडेट, कि वो टेम्पररी मैनेज करना चाहते थे और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, ठीक है। और ये जो टर्मिनेशन है, इट इज सेट टू पेव द वे फॉर एंडिंग इंडिया इंटरनेशनल आइसोलेशन। इंडिया का जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है, मतलब अलग थलग पड़ गई थी इंडिया की फुटबॉल बॉडी, वो एंड हो जाएगा, ठीक है। जो अलग थलग पड़ी हुई थी वो आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। आइसोलेशन का मतलब तो कोरोना के बाद आप सब लोगों को पता चल गया होगा आइसोलेशन का मतलब, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है वो है कंट्रीज विदड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है उससे कंट्री का, किसी देश का अलग थलग पड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज साइट। साइट का यहाँ पे साइटिंग है, साइट का मतलब होता है मेक रेफरेंस टू। तो अगर किसी जजमेंट को साइट करते हैं पुराने जजमेंट को, तो उसे यहाँ ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड फुटबॉल जो फीफा है उसने सस्पेंड किया था AIFF को साइट करते हुए, मतलब रेफर करते हुए कि थर्ड पार्टी से अनड्यू इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। अब ये यहाँ सेंटेंस पढ़िए, थोड़ा कंफ्यूजिंग मुझे भी लगा था, नहीं बाद में समझ में आ गया। एंड मेड अ डिसीजन रिवर्सल कंडीशन, इसका क्या मतलब है भाई, मेड अ डिसीजन रिवर्सल कंडीशन, इसका मतलब है मेड अ डिसीजन रिवर्सल, ठीक है। डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया, कंडीशनल ऑन द फुल रिपील ऑफ COA's मैंडेट। इस कंडीशन पे कि COA का जो मैंडेट है वो पूरा का पूरा रिपील हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए, ठीक है। रिपील का मतलब होता है कैंसल, राइट, ठीक है। एंड द हैंडिंग बैक ऑफ AIFF डेली अफेयर्स टू द AIFF एडमिनिस्ट्रेशन। और जो AIFF का जो डेली का बिजनेस है, जो डेली का काम चल रहा है, वो AIFF एडमिनिस्ट्रेशन के पास वापस चला जाए, ठीक है। ये है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलेज। कॉलेज को मैंने यहाँ क्यों डाला, कॉलेज तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है और आप सब लोग कॉलेज गए होंगे या जा रहे होंगे, राइट। मतलब कॉलेज का एक स्पेशल मतलब होता है, एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव स्पेशल ड्यूटीज एंड पावर्स। एक ऐसे लोगों का समूह जिनके पास स्पेशल ड्यूटीज और पावर्स हो, ठीक है। मेडिकल इंडस्ट्री में जनरली यूज होता है, जैसे कॉलेज ऑफ ब्रिटेन, कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसको लिमिट करने के लिए, टू जस्ट स्टेट एसोसिएशन नॉमिनीज एंड इंस्टेड गिविंग प्लेयर्स रिप्रेजेंटेशन एज नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो जो स्टेट एसोसिएशन के नॉमिनी जो उनको हटा के प्लेयर्स को रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हिंदू वाले कि देयर आर स्टिल पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर कैलकुलेशन ऑफ टर्म लिमिट्स। जो टर्म लिमिट्स हैं उसकी कैलकुलेशन पे एंड वन पर्सन वन पोस्ट प्रिंसिपल में, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है COA का, उसमें अभी भी पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन बचे हुए हैं। पॉइंट्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या मतलब हुआ, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सन। जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा हो, थोड़ी तनातनी हो, उसे वो कहते हैं कि ये कहेंगे कुछ और होगा, वो कहेंगे कुछ और होगा, ठीक है। बट दीज आर अनलाइकली टू फॉइल इंडिया रिहेबिलिटेशन। इंडिया का जो रिहेबिलिटेशन हो रहा है, रिहेबिलिटेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि जो फुटबॉल टीम की वापसी हो रही है फीफा में, या ऐसा ऐसा मतलब, ठीक है, ठीक है। उसको उसको फॉइल होना अनलाइकली है इन सब फ्रिक्शन वगैरह से, ठीक
ठीक है, फॉइल का क्या मतलब है, हिंडर और प्रिवेंट, मतलब कि किसी चीज को ना होने देना। तो वह ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इंडिया का रिहैबिलिटेशन होगा मतलब, ठीक है। और जो अटेम्प्ट है विन बैक U17 वुमेन वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट, वो भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर एप्रिहेंशंस, एप्रिहेंशन तो आप जानते ही हैं, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी एक्सपेक्टेशन या डर की आशंका, ठीक है, उसे एप्रिहेंशन कहते हैं। कि ऐसा डर है कि द डिस्बैंडिंग ऑफ द COA, सीओ की जो डिसबैंडिंग हो रही है, डिसबैंडिंग का क्या मतलब होता है, कॉज टू ब्रेकअप और सीज टू फंक्शन, मतलब सीओ की डिसबैंडिंग होगी, मतलब कि उस वो क्या कहते हैं, टुकड़ों में टूट गया और वो फंक्शन करना बंद कर दिया, ठीक है। तो डर है कि जो डिसबैंडिंग हुई है, जो काम करना बंद कर दिया है सीओ ने, उसका एक इम्पैक्ट होगा दूसरे स्पोर्ट्स, हॉकी एंड टेबल टेनिस पे, विच आर ऑल्सो फंक्शनिंग एज अ कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी, जो कि जो भी कोर्ट अपॉइंटेड कमेटीज के अंदर फंक्शन कर रही है। बट इट इज टू बी ड्यूली नोटेड दैट द कोर्ट मेरिट एंड द सीओएस टेन्योर, लेकिन ये भी नोट करना चाहिए कि कोर्ट ने केवल सीओ का टेन्योर एंड किया है, टेन्योर मतलब जो ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर वो फंक्शन कर रहे थे वो एंड हुआ है, और उसने नलिफाई नहीं किया है सारे एक्शन को, ठीक है। इनफैक्ट जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सीओ ने बना के रखा था, ठीक है, AIFF अभी भी उसी से गाइडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अल्बिट, अल्बिट का मतलब होता है ऑल्दो, इवन दो, तो वो कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी बना के रखा है AIFF अभी भी उससे गाइडेड होगा, लेकिन थोड़े अमेंडमेंट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गॉट अ फ्रेज, वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड और डैमेज टू मच, मतलब झेल लेना, थोड़ी सी डिफिकल्टी वो कर लेना, सस्टेन कर लेना डिफिकल्टी में। तो AIF ने अभी तो क्या कहते हैं इस डिफिकल्टी से डील कर लिया है, ठीक है, सस्पेंशन से, लेकिन जितना भी छोटा हो, हाउ एवर ब्रीफ इट मे टर्न आउट, जितना भी छोटा हो, इट हैज कम एट एन इनॉर्मस कॉस्ट। वो जो विमेन ऑफ गोकुलम केरला FC की महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उनके जो सपने थे कि मेड इन AFC एशियन वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप में खेलने के, वो शैटर हो गए, सपने टूट गए, ठीक है। शैटर हमारा अगला वर्ड है, मेड इन मतलब होता है कि कोई भी चीज जब पहली बार होती है, ठीक है, तो वो मेड इन कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अगर इंडियन वुमेन टीम AIFF के बिहाफ पे फीफा में पहली बार खेलती तो वो मेड इन क्या कहते हैं मैच होता, ठीक है। होल सागा, सागा क्या होता है, सागा मतलब नैरेटिव, कोई भी कहानी, बड़ी कहानी, जैसे महाभारत को सागा बोलते हैं वैसे। द होल सागा हैज इट्स रूट्स इन द एरस्वाइल AIFF एस्टेब्लिशमेंट्स नॉन एडहेरेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड फॉर 18 मंथ्स। ये जो पूरी सागा है, इसकी जड़ कहाँ पे, कि जड़ है जो एरस्वाइल हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। फॉर्मल फॉर्मर होता है पहले वाला, जो AIFF एस्टेब्लिशमेंट था उनके नॉन एडहेरेंस हुई थी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी डेवलपमेंट कोड पे 18 मई था, कि इसमें जड़ है इस पूरे सागा की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ओनस, ओनस पर सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द मिनिस्ट्री टू क्रैक द विप, क्रैक द विप क्या हुआ, फ्रेज है, यूज पावर ऑफ अथॉरिटी टू मेक, पावर अथॉरिटी टू मेक अ पर्सन और ग्रुप वर्क हार्डर और बिहेव इन डिसिप्लिन वे। तो जब ऐसी चीजें होती हैं कि स्पोर्ट्स कोड जो है वो गवर्नमेंट मैंडेटेड रेगुलेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री की है कि वो चीजों को कंट्रोल में रखें, किन किन के ऊपर कंट्रोल में रखें, जो लोग एरर कर रहे हैं, एरिंग मतलब होता है केपर ऑफ मेकिंग एरर, जो फेडरेशन एरर कर रहे हैं उनको कंट्रोल में रखें। लेकिन उस मिनिस्ट्री ने एक्ट नहीं किया जब तक मैटर हाईएस्ट कोर्ट में नहीं पहुंच गया, और उसने सेंस किया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप में लूज आउट कर जाएगी, ठीक है। लास्ट वर्ड इज इन द डॉक, इन द डॉक का एक इडियम है, इसका मतलब होता है बीइंग ट्राइड इन अ कोर्ट, मतलब कोर्ट में केस चल रहा हो तो इन द डॉक बोल सकते हैं। एज इन द केस ऑफ AIFF द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज बीन इन द डॉक, ठीक है। AIFF के केस में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो उसका केस कोर्ट में चल रहा है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ड्यूली प्लेस्ड इट अंदर COA, और दिल्ली हाई कोर्ट ने तो ये भी कर दिया था कि उसे COA के अंदर डाल दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई और उन्होंने COA को डिसबैंड कर दिया, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, मुझे बताइएगा, और आप बताइए प्लीज मुझे कि क्यों आपको ये क्या कहते हैं पिक्चर रिमूव करना है मेरा, ठीक है।
ओम प्रकाश वर्मा जी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, शाम को विवियन सेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए। चलिए बाय बाय।